अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के सैनिकों की बीच में जो झड़प का मामला है वो गर्माता जा रहा है और इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें चीनी सैनिकों ने जैसे ही टेम्परेरी बाल पर लगी तारबंदी को तोड़कर भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की तो मुस्तैद भारतीय सैनिकों ने इनका जमकर मुकाबला किया और चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि यह भारतीय और चीनी सैनिकों की बीच में भिड़ंत हुई है। हालांकि अब तक इस वीडियो की पुष्टि नहीं की जा सकी है। दरअसल 300 से अधिक चीनी सैनिक 17,000 फीट ऊंची चोटी पर कब्जे की फिराक में थे, ठीक वैसे ही जैसे साल 1999 में कारगिल में पाकिस्तान की सेना ने किया था।